हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिवली ह्यूमन बीइंग आर वैल्यूज़। हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ए ह्यूमन बीइंग इज अ फिजियोलॉजिकल एंटिटी। ह्यूमंस यूज देयर सेंसेस टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द सराउंडिंग वर्ल्ड। Human senses have abilities and limitations. Humans are very different from machines. तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ह्यूमन का मतलब होता है जो जितने भी पीपल होते हैं, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन की कैटेगरी में आते हैं। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन होता क्या है। देखिए, ह्यूमन के पास क्या होता है, जिस पर्सन के पास सेंसेस हों, ठीक है, आप जो आसपास की इन्वायरमेंट है उसको समझने की क्षमता हो, ठीक है, और नॉलेज को गेन करने के सेंसेस हो, उसे क्या कहते हैं, हम लोग ह्यूमन कहते हैं। देखिए, जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन के पास हर प्रकार का एनवायरनमेंट होता है, मतलब उसे लाइफ में हर प्रकार के एनवायरनमेंट को फेस करना होता है। उसके पास सैड और हैप्पीनेस दोनों प्रकार के क्या होते हैं, सेंसेस होते हैं, और दोनों प्रकार की सिचुएशन आती है। तो ह्यूमन की जो एबिलिटी होती है, जो उसकी एबिलिटी होती है कि किसी बात को परसीव करके उसका जो है क्विकली भी रिस्पांस दे सकता है, और बात पे सोच समझ के भी उसका रिस्पांस दे सकता है। और लिमिटेशंस क्या होती है, देखिए, ह्यूमन के पास हमारे पास जो आदतें होती हैं, ठीक है, तो वो हमारी आदतें क्या हो जाती हैं, हमें लिमिटेशंस बना देती हैं। हमें अपनी आदतों में क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, और हमेशा डे टू डे इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो ह्यूमन सेंसेस हैव एबिलिटीज एंड लिमिटेशंस। जो हमारी एबिलिटीज़ है, हमें अपने स्किल्स को क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, और जो हमारे अंदर लिमिटेशंस है, जो हम नहीं कर सकते, उसमें क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ह्यूमन्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम मशीन्स। ध्यान रहे कि इंसानों ने मशीन को बनाया है, ना कि मशीनों ने इंसानों को। तो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन मशीनों से बहुत ही अलग होता है। जो मशीन में क्या होता है, एक कोडिंग दे दी गई है कि उसी कोडिंग के बिहाफ पे जो है मशीन वर्क करती है। कुछ मशीन अपनी तरफ से कोई इनोवेशन नहीं कर सकती, जबकि इंसान होता है वो क्या करता है, मशीनों को बनाता है, उसे इनोवेट करता है, उसको सुधारता है, और उसमें उसको क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है। तो ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस बहुत ही डिफरेंट होते हैं मशीन से। ह्यूमन का जो नेचर होता है वो फिजियोलॉजिकल एंटिटी के अनुसार होता है, जहाँ पे उसके सारे सेंसेस वर्क करते हैं प्रॉपर्ली रूप से। वो क्या करता है, डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी अपनी बिजनेस लाइन में, तो उसमें हमें ह्यूमन बीइंग का सबसे ज़्यादा वर्क पड़ता है। डैट मीन्स, देखिए, ह्यूमन के पास जो दो प्रकार की क्या होती है, पावर होती है, एक होता है पॉजिटिवनेस, एक होता है नेगेटिवनेस। देखिए, आपको सब कुछ आता है, इफ़ यू आर राइट बट साइलेंट यू आर रॉन्ग। यदि आप सही हो लेकिन आप साइलेंट हो, यानी कि गंभीर हो, या अपनी बात को कह नहीं पा रहे हो, तो आप कहाँ वहाँ पे हो जाओगे, गलत हो जाओगे। यदि आप सही हो तो आप अपनी बात को रखो सामने वाले पर्सन के सामने। यदि आप जानना चाहते हो कि हम अगर साइलेंट रहेंगे, अगर हमने सच्चाई बाद में आ ही जाएगी, तो आप गलत हो। तो आप जहाँ पे आपकी सच्चाई प्रूफ करने की बात आए, तो आप पीछे मत हटिए। आप अपनी वैल्यूज़, क्योंकि ह्यूमन की वैल्यूज़ होती हैं, आप अपनी वैल्यू के पीछे, आप अपनी वैल्यू को दांव में मत लगाइए। अगर आप सही हैं तो आप आगे से आगे बढ़ करके अपने आप को प्रूफ कीजिए। इफ़ यू आर रॉन्ग बट एडमिटेड यू आर राइट, कहने का मतलब ये है, यदि आप गलत हैं और आपने माना कि मैं गलत था, तो आप सही हैं। देखिए, दोनों बातों में अंतर हो रहा है। जहाँ पे वो व्यक्ति शांत था, ठीक है, और वो सही भी था, लेकिन तब भी लोग उसे गलत समझ रहे थे। दूसरी तरफ यदि वो व्यक्ति गलत था लेकिन उसने माना कि वो गलत है, तब भी लोग उसे सही समझेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति सामने वाले पर्सन के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तभी लोग उसे समझ पाते हैं। तो एक्सप्रेशन एंड फीलिंग्स ही हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा, ह्यूमन वैल्यूज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती हैं, सिक्स फीचर्स होते हैं। सबसे पहली बात है ऑनेस्टी, टॉकिंग स्ट्रेट, बींग जेन्यून एंड एथिकल। ऑनेस्टी का मतलब होता है जब आप सच्चाई के साथ कोई बात कहते हैं, तो आपकी बात में क्या होती है, स्ट्रेट होती है, जेन्यून होती है, और वो एथिकल होती है।
और जो ऑनेस्टी से की गई बात वो हार्ट टू हार्ट टच करती है। सेकंड इज करेज, टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर रिजल्ट्स, बीइंग अप फ्रंट अबाउट मिस्टेक्स एंड टेकिंग कंसीडर्ड रिस्क। कहने का मतलब, करेज का मतलब होता है हिंदी में साहस। साहस ह्यूमन वैल्यूज पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। यदि आप लोगों के सामने साहस करते हैं, भले ही आप कभी गलत हो, गिर जाए, लेकिन अगर आप साहस करते हैं और रिस्क लेते हैं तो आप ज़िंदगी में हमेशा सफल रहेंगे, क्योंकि साहसी व्यक्ति ही पराक्रमी होता है और आगे बढ़ने की उसी के अंदर शूरवीरता होती है और क्षमता होती है। फियरनेस का मतलब होता है जो व्यक्ति डरता है, और जो लोग व्यक्ति डरता नहीं है, लोग उन पर भरोसा कैसे करते हैं, अब हम आपको बताते हैं। क्रिएटिंग पीपल जस्टली एंड इक्विटेबली। कहने का मतलब यह है, जो व्यक्ति डरता नहीं है और जिसके अंदर भय की भावना नहीं होती है, जो अपनी बात को जस्टिफाई करता है और लोगों को इक्वल समझता है, तो वो लोग उसका सम्मान करते हैं, उससे सबमिसिव हो जाते हैं और लोग उसी के साथ बात करना भी पसंद करते हैं। फिर आता है रिस्पेक्ट, क्रिएटिंग इंडिविजुअल विद डिग्निटी। रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर। जहाँ पर देखिए, फियर, इससे पहले वाला टॉपिक था फियरनेस, मतलब जो व्यक्ति डरता ना हो, फियरनेस। अब फियरनेस का मतलब होता है जो व्यक्ति साफ हो, साफ सुथरा हो। फियरनेस का मतलब होता है जो व्यक्ति साफ सुथरा हो, ठीक है, जो व्यक्ति डरता ना हो, साफ सुथरा हो, वो फियरनेस, FAIR, फियरनेस। रिस्पेक्ट, अब रिस्पेक्ट की बात करें, रिस्पेक्ट मतलब होता है आदर। जो व्यक्ति लोगों की डिग्निटी के अनुसार उनको आदर दे, सम्मान दे, वो व्यक्ति की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है हमेशा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जो व्यक्ति लोगों की डिग्निटी के अनुसार उनको मान सम्मान देता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हम छोटे से बच्चे को भी आप करके बात करते हैं तो यानी कि हम छोटे नहीं हो गए, हम उसकी निगाहों में बढ़ गए, क्योंकि हमने उसको, एक छोटे से बच्चे को भी सम्मान दिया। तो कहने का मतलब ये है, ह्यूमन वैल्यूज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है रिस्पेक्ट। जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तभी हमें रिस्पेक्ट की आशा करनी चाहिए, तभी हमें रिस्पेक्ट मिलती है। फिर आता है केयरिंग, लिसनिंग केयरफुली टू अदर्स, वर्किंग टुगेदर टू अचीव शेयर्ड गोल्स। केयरिंग का मतलब होता है देखभाल। कहने का मतलब ये, जब हम लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनके साथ जब हम कार्य करते हैं, तभी हम अचीव कर सकते हैं गोल टीम स्प्रिट के साथ। कहने का मतलब ये, जो ह्यूमन वैल्यूज़ में ये सिखाया गया है कि जब हम लोगों की कद्र करते हैं तभी सामने वाला व्यक्ति भी कद्र करता है हमारी, ये ह्यूमन वैल्यूज़ का बेस्ट पार्ट है। ट्रस्ट, कीपिंग आवर प्रोमिसेस। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा, वादा, मतलब जब हम लोगों के प्रोमिसेस को पूरा करते हैं, फुलफ़िल करते हैं, तो लोग हम पे क्या करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं। तो ह्यूमन वैल्यूज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑनेस्टी, करेज, फेयरनेस, रिस्पेक्ट, केयर, केयरिंग, ट्रस्ट। करेज इज़ द फर्स्ट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, बिकॉज इट इज़ द क्वालिटी विच गारंटीज द अदर्स। कहने का मतलब ये है, जो ह्यूमन क्वालिटीज़ की जो फर्स्ट क्वालिटी होती है वो होती है करेज, जिसे कहते हैं साहस। इसी साहस के बलबूते लोग आप पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, और लोग आपके अपने हो जाते हैं। ह्यूमन वैल्यूज़ कैसे बनती है, अब हम आपको बताते हैं। फर्स्ट इज़ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब है, जब ह्यूमन वैल्यूज़ में यदि आप ट्रेनिंग पे हैं, ट्रेनिंग का मतलब होता है आपकी स्टडी लाइन हो गई, आपकी जॉब की ट्रेनिंग हो गई, आपके एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग हो गई, आपके स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हो गई, व्यक्ति निखरता कैसे, उसके थॉट्स कैसे निखरते हैं, जब वो स्किलफुल होता है, एजुकेटेड होता है, तभी वो ट्रेनिंग अच्छे से पूरी कर पाता है। तो कहने का मतलब ये है, जब आपकी ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाती है तभी आपके थॉट्स खुल जाते हैं नॉलेज के बिहाफ पे, ट्रेनिंग आपकी कम्प्लीट है। फिर आता है अपॉर्चुनिटी, अगर आप कैपेबल हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को जरूर सक्सीड कर पाएंगे। तो ह्यूमन वैल्यूज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी। थर्ड इज़ एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब है, जिस व्यक्ति का ज्ञान सबसे ज़्यादा होता है वही व्यक्ति सबसे आगे बढ़ता है, उन्नति करता है, क्योंकि ज्ञान क्या है, अनंत है, और जिसके पास सबसे ज़्यादा ज्ञान है वही आगे बड़ा सोच सकता है, बड़ा कर सकता है। फिर आता है स्किल्स। देखिए, जो ह्यूमन वैल्यूज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्किल्स। यदि आप टैक्टफुल हैं, वेल ट्रेन्ड हैं, स्किलफुल हैं,
और जानकार हैं और आपके अंदर योग्यता है तो ह्यूमन वैल्यूज़ में सब योग्यता वाले की ही वैल्यू करी जाती है। कहने का मतलब है 10 लोग हैं, 10 लोगों में स्किलफुल सिर्फ 2 लोग हैं, तो उन 2 लोगों को ही हम क्या बनाएंगे, मैनेजर बनाएंगे, और बाकी 8 लोगों को हम क्या कर देंगे, एग्जीक्यूटिव बनाएंगे। जो स्किलफुल पर्सन होता है, जो जानकार होता है, जिसके पास काबिलियत होती है, उसी को हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ क्या कहती है, उसी को हम व्यक्ति को प्रमोट करते हैं। फिर आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है कुछ कर दिखाने की साहस। पोटेंशियल का मतलब होता है कि हम, मैं ये काम कर सकता हूँ, जिसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, पोटेंशियल से हम ये समझते हैं, जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ कहती हैं कि पोटेंशियल इज डेट विच इज़ यूज फॉर द डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट आर गोल। एक व्यक्ति है, उसकी वैल्यू कहती है कि वो इस कैपेबल है। देखिए, एक बिजनेस में मान लीजिए कोई मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर के लिए पोटेंशियल क्या है, वो एक MBA क्वालिफाइड हो, ठीक है, अच्छे परसेंटेज से हो, वेल एक्सपीरियंस्ड हो, उससे लोगों को मोटिवेट करके इजीली काम कराने का उसके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस हो, या उसके पास मोटिवेशनल ट्रेनिंग हो, तो उसके अंदर अगर ये पोटेंशियल है तो ही वो आगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ कर पाएगा। ये हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ कहती है। फिर आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस किताबों से नहीं जानी जाती। जो बुद्धिमत्ता होती है, ठीक है, वो किताबों से नहीं मिलती। इंटेलिजेंस हमारे ज्ञान से तो मिलती है, पर हमारे स्किलफुल इनोवेशन माइंड से मिलती है। कहने का मतलब है, इंटेलिजेंस किताबों में नहीं होती, इंटेलिजेंस हमें बनानी पड़ती है। इंटेलिजेंस हमें क्या होती है, एक्सपीरियंस के द्वारा हमारी इंटेलिजेंस ग्रोथ होती रहती है। हमारे इंटेलिजेंस में क्या होता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें कभी उसमें सफल होते हैं, कभी असफल भी होते हैं। तो जो असफल भी होते हैं, उससे मिली सीख में भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है, तो उससे हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती रहती है। लोग कहते हैं एक फ्रेशर एम्प्लॉय और एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, दोनों में अंतर क्या होता है। भले एक फ्रेशर एम्प्लॉय के पास MTech की डिग्री हो, और जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसके पास भले ही इंटर की डिग्री हो, लेकिन वैल्यू किसकी होगी, जिसके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस के अनुसार ही उसकी इंटेलिजेंस क्या होती है, उस फील्ड में ग्रोथ हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। तो इंटेलिजेंस किताबों से नहीं आती, इंटेलिजेंस किस में आती है, एक्सपीरियंस के द्वारा आती है। फिर आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होता है, जो कोई कार्य हो रहा हो, ह्यूमन वैल्यूज़ में हम कहते हैं जो कोई कार्य हो रहा हो उसमें हम कुछ इनोवेट करके उसको और कार्य को संयोजित कर दे और लोगों को वो पसंद आए, तो उसे कहते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि हम कुछ ऐसा कर दिखाएं जो दूसरे ना कर पाए हों। तो क्रिएटिविटी का बहुत ही ज़्यादा इस संसार में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जितने भी R&D हैं, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैं, वो सब क्रिएटिविटी पे ही बेस्ड हैं। ठीक है, चाहे वो साइंटिफिक लाइन में हो, चाहे मैकेनिकल लाइन में हो, चाहे कंप्यूटर IT फील्ड में हो, और वो चाहे प्रोडक्शन लाइन में हो, तो क्रिएटिविटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब क्रिएटिविटी होगा तभी हमारा रिसर्च आगे बढ़ पाएगा। तो ह्यूमन वैल्यूज़ में क्रिएटिविटी एक अलग इंपॉर्टेंस रखती है। फिर आता है मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है जो व्यक्ति हम, जिसको हम याद रख सकें, जिस डाटा को हम सेव कर सकें, उसे कहते हैं मेमोरी। ह्यूमन वैल्यूज़ में हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है मेमोरी। मेमोरी में ही हमारी ट्रेनिंग, एजुकेशन, स्किल्स, पोटेंशियल, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी आता है। मेमोरी हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ का सबसे आखिरी पार्ट होता है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हमारी मेमोरी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो हम ये जितने भी आपको पहले पॉइंट्स मैंने आपको बताएं, इनमें से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेमोरी को स्किलफुल, मेमोरी को तेज बनाने के लिए आप हेल्थ एडवाइसेस लीजिए, मिल्क पीजिए, फ्रूट्स लीजिए, और जो हमारी मेमोरी को सार बनाने वाली मेडिसिंस होती हैं उनको डॉक्टर से रिकमेंड करके लीजिए, तो मेमोरी को आपको स्वस्थ रहना है। और सबसे बात इम्पॉर्टेंट है कि आप 8 to 10 hours में आप स्लीपिंग, यानी कि सोने की पूरी आप लीजिए। जो अगर आपकी स्लीपिंग पूरी है, यानी कि आपकी नींद आपकी पूरी है, तो आपकी मेमोरी प्रॉपर वर्क करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि मेमोरी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन वैल्यूज़ में। जब मेमोरी हमारी प्रॉपर वर्क करेगी तभी हम क्रिएटिविटी के अनुसार अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ वर्क कर पाएंगे, तभी हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ बढ़ेगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। ये ह्यूमन वैल्यूज़ का बेस्ट पार्ट है ट्रस्ट, कीपिंग आवर प्रोमिसेस। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा, वादा। मतलब जब हम लोगों के प्रोमिसेस को पूरा करते हैं, फुलफ़िल करते हैं, तो लोग हम पे क्या करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं। तो ह्यूमन वैल्यूज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑनेस्टी, करेज, फेयरनेस, रिस्पेक्ट, केयर, केयरिंग, ट्रस्ट।
करेज इज़ द फर्स्ट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज बिकॉज इट इज़ द क्वालिटी विच गारंटीज द अदर्स. कहने का मतलब ये है जो ह्यूमन क्वालिटीज़ की जो फर्स्ट क्वालिटी होती है वो होती है करेज, जिसे कहते हैं साहस. इसी साहस के बलबूते लोग आप पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं और लोग आपके अपने हो जाते हैं. ह्यूमन वैल्यूज़ कैसे बनती है अब हम आपको बताते हैं. फर्स्ट इज़ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग का मतलब है जब ह्यूमन वैल्यूज़ में यदि आप ट्रेनिंग पे हैं, ट्रेनिंग का मतलब होता है आपकी स्टडी लाइन हो गई, आपकी जॉब की ट्रेनिंग हो गई, आपके एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग हो गई, आपके स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हो गई. व्यक्ति निखरता कैसे, उसके थॉट्स कैसे निखरते हैं, जब वो स्किलफुल होता है, एजुकेटेड होता है, तभी वो ट्रेनिंग अच्छे से पूरी कर पाता है. तो कहने का मतलब ये है जब आपकी ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाती है तभी आपके थॉट्स खुल जाते हैं नॉलेज के बिहाफ पे. ट्रेनिंग आपकी कम्प्लीट है, फिर आता है अपॉर्चुनिटी. अगर आप कैपेबल हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर सक्सीड कर पाएंगे. तो ह्यूमन वैल्यूज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी. थर्ड इज़ एजुकेशन. एजुकेशन का मतलब है जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का ज्ञान सबसे ज़्यादा होता है वही व्यक्ति सबसे आगे बढ़ता है, उन्नति करता है. क्योंकि ज्ञान क्या है, अनंत है, और जिसके पास सबसे ज़्यादा ज्ञान है वही आगे बड़ा सोच सकता है, बड़ा कर सकता है. फिर आता है स्किल्स. देखिए जो ह्यूमन वैल्यूज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्किल्स. यदि आप टैक्टफुल हैं, वेल ट्रेंड हैं, स्किलफुल हैं और जानकार हैं और आपके अंदर योग्यता है तो ह्यूमन वैल्यूज़ में सब योग्यता वाले की ही वैल्यू करी जाती है. कहने का मतलब है 10 लोग हैं, 10 लोगों में स्किलफुल सिर्फ 2 लोग हैं तो उन 2 लोगों को ही हम क्या बनाएंगे, मैनेजर बनाएंगे, और बाकी 8 लोगों को हम क्या कर देंगे, एग्जीक्यूटिव बनाएंगे. जो स्किलफुल पर्सन होता है, जो जानकार होता है, जिसके पास काबिलियत होती है, उसी को हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं. हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ क्या कहती है, उसी को हम व्यक्ति को प्रमोट करते हैं. फिर आता है पोटेंशियल. पोटेंशियल का मतलब होता है कुछ कर दिखाने की साहस. पोटेंशियल का मतलब होता है कि हम मैं ये काम कर सकता हूँ, जिसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस. ठीक है, पोटेंशियल से हम ये समझते हैं जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ कहती हैं कि पोटेंशियल इज़ डेट विच इज़ यूज्ड फॉर द डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट आर गोल. एक व्यक्ति है, उसकी वैल्यू कहती है कि वो इस कैपेबल है. देखिए एक बिजनेस में मान लीजिए कोई मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर के लिए पोटेंशियल क्या है, वो एक MBA क्वालिफाइड हो, ठीक है, अच्छे परसेंटेज से हो, वेल एक्सपीरियंस्ड हो, उससे लोगों को मोटिवेट करके ईजिली काम कराने का उसके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस हो, या उसके पास मोटिवेशनल ट्रेनिंग हो. तो उसके अंदर अगर ये पोटेंशियल है तो ही वो आगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ कर पाएगा. ये हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ कहती है. फिर आता है इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस किताबों से नहीं जानी जाती. जो बुद्धिमत्ता होती है, ठीक है, वो किताबों से नहीं मिलती. इंटेलिजेंस हमारे ज्ञान से तो मिलती है पर हमारे स्किलफुल इनोवेशन माइंड से मिलती है. कहने का मतलब है इंटेलिजेंस किताबों में नहीं होती, इंटेलिजेंस हमें बनानी पड़ती है. इंटेलिजेंस हमें क्या होती है, एक्सपीरियंस के द्वारा हमारी इंटेलिजेंस ग्रोथ होती रहती है. हमारे इंटेलिजेंस में क्या होता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें कभी उसमें सफल होते हैं, कभी असफल भी होते हैं. तो जो असफल भी होते हैं उससे मिली सीख में भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है, तो उससे हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती रहती है. लोग कहते हैं एक फ्रेशर एम्प्लॉय और एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, दोनों में अंतर क्या होता है. भले एक फ्रेशर एम्प्लॉय के पास M.Tech की डिग्री हो और जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास भले ही इंटर की डिग्री हो, लेकिन वैल्यू किसकी होगी, जिसके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस के अनुसार ही उसकी इंटेलिजेंस क्या होती है, उस फील्ड में ग्रोथ हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है. तो इंटेलिजेंस किताबों से नहीं आती, इंटेलिजेंस किस में आती है, एक्सपीरियंस के द्वारा आती है. फिर आता है क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी क्या होता है, जो कोई कार्य हो रहा हो, ह्यूमन वैल्यूज़ में हम कहते हैं जो कोई कार्य हो रहा हो उसमें हम कुछ इनोवेट करके उसको और कार्य को संयोजित कर दे और लोगों को वो पसंद आए तो उसे कहते हैं क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि हम कुछ ऐसा कर दिखाएं जो दूसरे ना कर पाए हों. तो क्रिएटिविटी का बहुत ही ज़्यादा इस संसार में बहुत ही ज़्यादा महत्व है. जितने भी R&D हैं, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैं, वो सब क्रिएटिविटी पे ही बेस्ड हैं. ठीक है, चाहे वो साइंटिफिक लाइन में हो, चाहे मैकेनिकल लाइन में हो, चाहे कंप्यूटर IT फील्ड में हो, और वो चाहे प्रोडक्शन लाइन में हो. तो क्रिएटिविटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. जब क्रिएटिविटी होगा तभी हमारा रिसर्च आगे बढ़ पाएगा. तो ह्यूमन वैल्यूज़ में क्रिएटिविटी एक अलग इंपॉर्टेंस रखती है. फिर आता है मेमोरी.
मेमोरी का मतलब होता है जो व्यक्ति हम जिसको हम याद रख सके, जिस डाटा को हम सेव कर सकें, उसे कहते हैं मेमोरी। ह्यूमन वैल्यूज़ में हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है मेमोरी। मेमोरी में ही हमारी ट्रेनिंग, एजुकेशन, स्किल्स, पोटेंशियल, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी आता है। मेमोरी हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ का सबसे आखिरी पार्ट होता है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हमारी मेमोरी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो हम ये जितने भी आपको पहले पॉइंट्स मैंने आपको बताएं, इनमें से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेमोरी को स्किलफुल, मेमोरी को तेज बनाने के लिए आप हेल्थ एडवाइसेस लीजिए, मिल्क पीजिए, फ्रूट्स लीजिए, और जो हमारी मेमोरी को सार बनाने वाली मेडिसिंस होती हैं उनको डॉक्टर से रिकमेंड करके लीजिए। तो मेमोरी को आपको स्वस्थ रहना है। और सबसे बात इम्पॉर्टेंट है कि आप 8 to 10 hours, 24 hours में आप स्लीपिंग यानी कि सोने की पूरी आप लीजिए। अगर आपकी स्लीपिंग पूरी है यानी कि आपकी नींद आपकी पूरी है तो आपकी मेमोरी प्रॉपर वर्क करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि मेमोरी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन वैल्यूज़ में। जब मेमोरी हमारी प्रॉपर वर्क करेगी तभी हम क्रिएटिविटी के अनुसार अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ वर्क कर पाएंगे, तभी हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ बढ़ेगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।